वो मंच पर आए। संतलाल जी, संतलाल जी भी मंच पर आए। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के जिन्होंने बोध वंदना और धम देशना दी है राजरत्न बोध जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे समारोह के मुख्य अतिथि श्री एनजी मेहरा जी, सचिव बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लीगल सेल अखिल भारतीय भीमसेना, वो भी आए। ज्ञान सिंह बागने जी, रमेश याम जी, जोगीराम मेहरा जी को भी मंच पर आए। और आज के हमारे समारोह के अध्यक्ष माननीय हनुमंत कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा, जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अम्बेडकर युवा संघर्ष समिति भिवानी जिंदवाला जोड़ के, उनका माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा
कविता जी से, डॉक्टर शालिनी जी से, सोनिया जी और जया जी से, वो भी मंच पर आए। स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा सुशीला देवी सिंह जो अध्यक्ष हैं वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी, सोनिया जी, कविता जी मंच पर आए। डॉक्टर शाली मेरा जेल निकाल देते हैं शाली भगवान बुद्ध के जो संदेश थे सबसे इम्पोर्टेंस की हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन
आज उनको यहाँ से एक संदेश लेके जाएं। अब कुछ लोग पढ़ लिख जाते हैं तो बाकी लोग उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, वो तो पढ़ लिख गया और मैं तो कुछ ही रह गया। तो वो अपने ही समाज में आपस में भाइयों का पैर पीछे लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पढ़ा है तो दूसरे को मदद करें, अगर दूसरा आगे नहीं जा पाया तो जो सफल है उसको फॉलो करें, ना कि उससे ईर्ष्या करें। किसी महान आदमी ने ये बात भी बोली है कि चील की अपनी उड़ान होती है, चील हमेशा ऊपर आसमानों में उड़ती है, चील कभी जमीन पर आके नहीं बैठती। उसको देख के छोटी चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, क्योंकि चिड़िया का अपना अस्तित्व होता है, चिड़िया कभी भी चील को देख के डिप्रेशन में नहीं आती है। तो आप क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे जो आगे लोग हैं जो नहीं सक्सेसफुल हुए उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो आज से यहाँ से हम ये प्रण लेके जाएं कि हम अपने समाज में भाईचारे की भावना को फैलाएंगे, आपस में प्यार प्रेम से रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी जो भी समाज का है उसका ये फर्ज बनता है कि अपने समाज के भाइयों का साथ दे, ना कि उनसे ईर्ष्या करे। अगर ये ही भाईचारे की भावना हमारे समाज में फैल जाएगी, हमारे समाज इस मानवता की बात को अपनाने लगेगा, तो ही सही मायने में समाज का विकास संभव है। अन्यथा कुछ भी किया जाए, आप कितना भी यहाँ आके बैठेंगे, आए गए और इन बातों का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। बाबा साहब ने बोला संगठित रहो, तीन ही संदेश पहले दिन से तीन लाइन, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। संगठित हो जाते हैं, अगर कोई थोड़ा सा ओकेजन हो हम संगठित हुए, बाहर जाने का सब अलग हो, सबकी सोच अलग, सबकी डायरेक्शन अलग, सबके काम अलग। संगठित मतलब संगठन बनाना नहीं है कि हमने अलग अलग एरिया में अलग अलग संगठन बना लिए। बाबा साहब ने संगठन बनाने के लिए नहीं बोला था, सबको एक प्लेटफॉर्म में संगठित होने के लिए बोला था। सारा समाज एक ही डायरेक्शन में चले, अलग अलग संगठन बना के अपने अपने लोकेशन सेट नहीं करेगा। संघर्ष करो, संघर्ष को हम सदियों से ही करते आ रहे हैं, जब से हमने सुना है 2014 से हम संघर्ष ही करते आ रहे हैं, कि वो संघर्ष करके हमने क्या अचीव करना है वो अभी भी किसी का माइंडसेट नहीं है कि हमने अचीव क्या करना। संघर्ष करो, संघर्ष करो, वो संघर्ष तभी कामयाब होगा जब सही मायने में हमारा समाज विकास करेगा, जब सही मायने में हमारा समाज आगे जाएगा। शिक्षित बनो, शिक्षित किस लिए बनना था, सिर्फ पढ़ लिख के कुर्सी हासिल करने के लिए शिक्षित नहीं बनना था, शिक्षित बनना था इसलिए ताकि हम गुलामी से आजादी पा सके। कुछ एक लोग शिक्षित बने बट वो शिक्षित बन के एक अपने एरिया में लोकलाइज हो गए हैं कि हम एक पार्ट के हो गए हैं, हम शिक्षित बन गए, हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, शिक्षित बन के हमने अपने समाज को गुलामी से आजादी दिलानी है। सिर्फ एक स्टडी करना ही ये मेन मोटो नहीं है हमारा कि हम पढ़ गए और दैट्स इट, नहीं। शिक्षित बनो, गुलामी से आजादी पाओ और अपने समाज को गुलामी से आजादी दिलाने में मदद करो, तब सही मायने में शिक्षित होने की बात पूरी होगी। सिर्फ जो ये तीन बातें हैं, तीन मोटी मोटी बातें, संघर्ष करो, संकित रहो, शिक्षित बनो, आज तक हम इन तीन बातों पे ही पूरा काम नहीं कर पाए। तो आज इस जयंती पर, इस मौके पर हम सब यहाँ से प्रण लेके जाएंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ एक मानवता और इंसानियत का धर्म को ही मानेंगे। और बाबा साहब ने जो तीन बातें बोली हैं, हम सब इनको अपने पूरे मन से फॉलो करेंगे। संगठन नहीं बनाने हैं, संगठित होना है। संगठन बनाने में और संगठित होने में बहुत फर्क है। संगठन तो एक घर में, एक घर के जो सारे बंदे साथ में रहते, सब इंसान साथ में रहते, वो संगठन ही है। लेकिन संगठित होना जब हमारा पूरा समाज एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक ही दिशा में काम करेगा, वही संगठित होना कहलाएगा। तो आज हम सब यहाँ से ये प्रण लेके जाएंगे कि हम सिर्फ मानवता और इंसानियत के धर्म को ही मानेंगे, किसी की कहीं सुनी बातों को नहीं मानेंगे। हम अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का, अपने ब्रेन का यूज करके जब आपको ये लगे कि हाँ
अब ये बात ठीक है तब हम उन बातों को मानेंगे, अंधविश्वास को दूर रखेंगे, अंधभक्ति को दूर रखेंगे। सभी सही मायनों में बाबा साहब और भगवान बुद्ध को हम सम्मान दे पाएंगे। धन्यवाद जी डॉक्टर स्वामी नेहरा जी।